उधर खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिसके चलते क्षेत्र में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और महामारी फैलने का खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। अब क्षेत्रवासियों ने वरिष्ठ भाजपा नेता रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी रविन्द्र बिस्ट से मदद की गुहार लगाई। दरअसल क्षेत्रवासियों की मांग थी कि जल्द से जल्द अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों को लगाकर नगर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराई जाए, साथ ही नगर में मच्छरों के प्रकोप को कम करने के लिए नगर पालिका के जरिए दवाई का छिड़काव और फॉगिंग भी कराई जाए। आपको बता दें कि क्षेत्रवासियों की मांग पर उप जिलाधिकारी ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर पालिका परिषद के ईओ को नगर में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उप जिलाधिकारी महोदय को बताया कि शहर में जो थोड़ी नगर पालिका द्वारा काम के प्रति लापरवाही करती जा रही है, उसके संबंध में माननीय प्रशासक महोदय जो SDM साहब हमारी नगर पालिका के प्रशासक भी, उनको यह अवगत कराया है कि शहर में जो मच्छरों का प्रकोप हो रहा है उससे तत्काल निजात दिलाई जाए। तो आज माननीय हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं और जो प्रशासक हैं नगर पालिका के, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आज ही से नगर में फॉगिंग मशीनें चलाई जाएंगी और सफाई व्यवस्था में जो नाली वगैरह जो भरी पड़ी है उनको तत्काल साफ करने का भी आदेश उन्होंने आज पारित किया है। पालिका को लेकर कुछ समस्याएं थी और ईओ नगर पालिका में मेरे साथ ही आए हुए हैं यहाँ पर और उन समस्याओं के बारे में चर्चा की गई, जैसे मच्छरों का प्रकोप गर्मी होने के कारण बढ़ गया है, नाली की सफाई वगैरह और लाइटें वगैरह वाटर कूलर वगैरह, तो वो हमारा डिस्कशन हुआ है और मैंने निर्देशित कर दिया ईओ साहब को कि जो जो जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पर फॉगिंग की व्यवस्था की जाए। आज ही से कबल के काम को शुरू किया जाए ताकि मच्छरों का प्रकोप कम हो सके, नालियों की नियमित सफाई की जाए, उसमें छिड़काव भी किया जाए ताकि मच्छर पनपे ना वहाँ पर, लाइटें जहाँ जहाँ दुरुस्त हो सकती हैं उनको दुरुस्त किया जाए और साथ ही साथ वाटर कूलर्स जो हमारे 60 हैं और जिसमें से 20-25 के लगभग फंक्शनल भी हो चुके हैं, अन्य जहाँ पर भी हमें पानी की व्यवस्था मिल जाएगी उनको हम 60 के 60 को व्यवस्थित कर देंगे और लोगों को ठंडा